मंदसौर जिले के वाईडी नगर थाना क्षेत्र में संचालित होने वाले जैन स्कूल में आज अचानक मधुमक्खियों ने स्कूली बच्चों पर हमला कर दिया, जिसके कारण दो दर्जन से अधिक बच्चे मधुमक्खियों के शिकार हो गए। घटना के समय घायल स्कूली बच्चे मधुमक्खी काटने से रोते बिखलते रहे और जिम्मेदार अपने कैबिन में छुपे हुए नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ टीचर तो स्कूल से ही भागकर अपनी जान को बचाने में लगे रहे और उधर बच्चे स्कूल में ही मधुमक्खी को अपने शरीर में से निकालने में लगे रहे, क्योंकि बच्चों के शरीर पर मधुमक्खी के छत्ते ने हमला कर दिया था। घायल बच्चे अपनी जान बचाने के लिए आसपास के रहवासियों को आवाज भी लगा रहे थे। यही नहीं, वहां के जिम्मेदारों को भी आवाज लगाई गई थी, लेकिन किसी ने बचाने का प्रयास तक नहीं किया और तो और बच्चों को छोड़कर वहां से भाग निकले। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में स्कूल प्रशासन की पूरी तरह लापरवाही देखी गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिम्मेदार जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। सभी घायल बच्चों को पुलिस द्वारा जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां घायलों का उपचार किया गया। वहीं डॉक्टरों के अनुसार दो बच्चों की हालत गंभीर है और बाकी 23 बच्चे ठीक है, जिनको अभी उपचार दिया गया है उन्हें भी शाम तक छुट्टी दे दी जाएगी। कोतवाली थाना प्रभारी व नायब तहसीलदार भी जिला अस्पताल बच्चों के हालचाल पूछने के लिए पहुंचे हैं। इस घटना से स्कूल संचालकों की लापरवाही सामने आई है। वहीं घटना के दौरान मानवता दिखाते हुए तड़पते मासूम बच्चों को पांडा भाई और इमरान भगवान पत्रकार ने मिलकर मौके पर तड़प रही बच्चियों के शरीर से मधुमक्खियों के कांटे निकाले और जिम्मेदार अपने आप को बचाने के लिए कैबिन में ही छुपे रहे। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मैं एकदम अपने घर की ओर जा रहा था तो सारे बच्चे एकदम बाहर आए, एक बच्ची रो रही, तो मैंने पूछा मैंने क्या हुआ, तो क्या मधुमक्खियाँ चोट गई। तो उसकी बॉडी पे मैंने देखा पूरी की पूरी बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ बैठी थी। हम लोगों ने अंदर भी आवाज़ लगाई, लेकिन यहाँ के जितने भी शिक्षक और जितने कर्मचारी थे सब अपने अपने कमरे में बंद करके बैठ गए थे, कमरे के लॉक कर लिए थे, बाहर आने को कोई तैयार नहीं था। बच्ची तड़पती रही। फिर मैं और एक शब्बीर भाई कबानी करके है, एक पांडा भाई करके है, हम तीन लोग यहाँ पर आए। फिर नेताजी से हमने माचिस लिया, अखबार लिया, फिर हमने उसके आसपास थोड़ा धुआं करने की कोशिश की, लेकिन धुआं नहीं कर पाए। फिर उसको हमने स्वेटर को अलग करी, स्वेटर अलग करने के बाद भी उसकी स्टोल से हमने उसको झटका। झटकने के बाद में फिर हम अंदर गए, अंदर भी जाके हमने बोला भाई पुलिस को बुलाइए, एम्बुलेंस को हम फ़ोन करते हैं, तो कह नहीं हम कर लेंगे आप जाइए। फिर हमको बाहर बोल दिया। फिर बच्ची को लेके ना कुर्सी पे बिठा के ना सब जने बैठे हुए देख रहे। फिर मैं अंदर गया तो मैंने उसके कई बॉडी के ऊपर कई जगह मैंने मक्खी के दांत देखे। फिर मैंने मक्खी के दांत निकाले, निकालने के बाद भी मेरे से बोला कि आप क्यों हाथ लगा रहे हो। तो भी ये हाथ लगाने का कौन सा रेम, ये फर्ज आपका था, हम लोगों का थोड़ी था। क्या स्कूल के जितने भी स्टाफ थे सब लोग कहाँ से लगे थे? ये सब लोग ऊपर के केबिन में बंद, कमरा बंद करके बैठ गए थे, एक भी नहीं। दो शिक्षक जो थे जो इधर रोड की तरफ भागे वो, और मैं ये जो बच्चे थे वो बच्चे सब लोग यहाँ तड़पते रहे थे। बच्चे आधे उधर भागे आधे इधर भागे, एक लड़की यहाँ पर तड़पती रही थी, उसकी मैंने मदद करी हम तीन लोगों ने मिल के। कितने बच्चे लगभग घायल हुए? घायल कम से कम 25 से 30 बच्चे हैं। इनपे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, खाली इन लोगों का खाली पैसा लेना और नाम कमाना है। लापरवाही किसी की नहीं है, व्यस्त थी, बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड में, ऊपर मधुमक्खी के 2-3 छत्ते हैं, प्राय खेलते इतने सालों से कभी दुर्घटना हुई नहीं। किसी बच्चे ने, हो सकता है कि हम तो ऊपर ऑफिस में थे, किसी ने छेड़खानी कोई हुई तो मधुमक्खियाँ उड़ी, कुछ बच्चों को उन्होंने काटा। उन्हें तो दो बच्चे हैं, उन्हें तो पहले सबसे प्रायोरिटी देती थी, जिनको नहीं काटा उनको मैं सेव करूँ, उनको मैंने क्लासरूम में भेज दिया टीचर के साथ। बाकी जो इंजर्ड बच्चे थे उनको अस्पताल लाए, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और सभी नॉर्मल है। 2-3 बच्चों को ज़्यादा काटा है और शाम तक सभी बच्चे सब कुशल घर पहुँच जाएंगे। सर कितने बच्चे थे? बच्चे मेरे आज जो उपस्थिति करीब 150 के लगभग, बचपन के 150 बच्चे थे ग्राउंड में, रेस्ट के टाइम खेल रहे थे और रोजाना खेलते, कोई नई घटना नहीं है, अकस्मात ये घटना हुई है जिसके लिए हमें भी फील है। और बच्चे हमारे अपने जान से प्यारे, हम उनकी केयर करते हैं, उनको इसीलिए लाए। मेरा स्टाफ भी यही है, बच्चे यही हैं, बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है जैसे आप।